इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की भतीजे पार्षद अभय वर्मा ट्रैफिक नियमों को लेकर महिला ट्रैफिक सूबेदार से विवाद हो गया। महिला सूबेदार को मंत्री के भतीजे ने बालाघाट ट्रांसफर कराने की धमकी भी दे डाली। सूबेदार की माने तो मंत्री जी के भतीजे मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे थे, जिन्हें रोकने पर अपना रुख बताया, जिस पर महिला सूबेदार ने उन्हें कानून का पाठ पढ़ा दिया। शुरुआती दौर में मंत्री जी के भतीजे वहां से निकल गए, लेकिन बाद में अपने कई समर्थकों के साथ वापस पहुंचे और सूबेदार पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगे, जो तस्वीरों में और मोबाइल में कैद कर लिया गया। ट्रैफिक सूबेदार के साथ बालाघाट ट्रांसफर कराने की धमकी देने के मामले में आरोपों से घिरे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के भतीजे अभय वर्मा के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है। अगर मेरे भतीजे ने बालाघाट ट्रांसफर कराने को कहा है तो उसका तत्काल इस्तीफा दिलवा दूंगा। सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है कि मेरा परिवार संस्कारी है, वह ऐसी हरकत नहीं कर सकता। 3 बार से अभय वर्मा कांग्रेस से पार्षद हैं। मोबाइल पर बात करने के दौरान इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर हुआ था महिला ट्रैफिक सूबेदार से विवाद। अगर मैंने बात करी ना तो जो वो आपके हाथ में फोन था, आप बात कर रहे हैं, काटा मैंने राजा, फोन काटा, कोई मतलब नहीं है। चलो जाओ, आप मुझे कागज दिखाइए, अपनी कागज देंगे, आपको जो मौके पर कागज दिखाइए, कागज घर से बुलवाना पड़ेगा, आप गाड़ी नहीं चला सकते, मौके पर कागज होना चाहिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सम्मानित होंगे, सम्मानित हो, मेरे पास कागज नहीं, नहीं नहीं नहीं, बदतमीज, आप कर रहे हो, उंगली नीचे कर लो, आपने उंगली नीचे कर लो, आप उंगली नीचे कर लो, आप इस तरीके से, आप उंगली नीचे कर लो, नहीं गलत 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 जानकारी, गलत जानकारी। देखो किसी जनप्रतिनिधि के जनप्रतिनिधियों में रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, आपसे अच्छी बात नहीं करो, आप करते रहो, करते रहो, आप जब अरे आपने कागज दे रहा हूँ ना आपको, क्या हो गया, कागज चाहिए मुझे गाड़ी के, और क्या चाहिए मैडम, अभी गाड़ी के कागज चाहिए, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, पहले गाड़ी के कागज चाहिए, बताइए, देते मैडम, सर पर चढ़ेंगे, नाच लीजिए आप अभी जो बदतमीजी बेटा बोल, अच्छी बात नहीं मैडम, ऐसा करो आप, अच्छी बात ही नहीं है, टाइल वाले मंत्री जी की गाड़ी है, वैसे कागज लिया आपको, कागज दिखा देते हैं मैडम, है ना, फोन पर बात करने का चालान में काट, नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत गलत, मैं आप कोर्ट में लगा देना मेरे अगेंस्ट की मैंने गलत चालान काट, आप कोर्ट में लगा देना, मैं जवाब दे दूँ, आपको लग रहा है ना गलत कर रहे हैं आप, मुझे बता दो फोन पर बात करते हुए, बिल्कुल बता दूंगी मैं, ये गाड़ी छोड़ दूँ अगर मेरे आपसे आकर बात करती होगी, अगर अगर फोन कान में फोन लगा और आप बोल रहे हो ना कि बीच में आके खड़ा हो गया था, सारी फुटेज निकलवा के दूँ, मत करो, सारी फुटेज निकलवा के, आपने सिर्फ गलत बोला कि हट जा मुंह मत लग, ऐसा नहीं बोला मैंने, आपने ऐसा बोला, सामने आ जाएगा, मुझे कोई शोर नहीं, आप क्या कर रहे हैं ये सुनो, ऐसा आप आए गाड़ी के सामने करके, अरे डेली की सैकड़ों गाड़ियाँ छूटती है, ऐसी बात नहीं है, डेली की सैकड़ों गाड़ियाँ छूटती है, सभी की गाड़ी ऐसी नहीं, सभी की गाड़ी ऐसी नहीं रोकी जाती है, मुझे चाहो तो भरत भैया को फोन लगा लो, भरत भैया को फोन लगा लो, सैकड़ों गाड़ियाँ छूटती है, सैकड़ों छूटते हैं, अरे कुछ नहीं, जो भी हो कर लो, तो आप कर लेना, आपको जो करना सोनू वाजपेयी नाम है, सोनू वाजपेयी नाम है, बाकी थोड़ा सा आपको नाम लगा दो, रखो हट जाओ, मतलब खड़ा है, सिपाही तो कुछ भी बोल दोगे यार, हो गई अच्छी बात है। मैं संस्कारी परिवार का हूं, मेरे पूरा परिवार, मेरे भतीजे भांजे सब संस्कारी हैं। यदि अभय वर्मा जो 3 बार के पार्षद हैं, इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, यदि उस सूबेदार को मेरे भतीजे ने ये कहा होगा कि मैं तेरा ट्रांसफर करा दूंगा, यदि कल उसका पार्षद सिर से इस्तीफा नहीं दिला दूं तो मेरी राजनीति करने पर लानत भेजता हूं, या वो महिला इस्तीफा दे दे जिसने ये आरोप लगाया अपने पद से, ये मैं चैलेंज करता हूं। सज्जन भैया, इससे पहले भी एक सूबेदार था अरुण, उसमें अश्विन जोशी के भतीजे का नाम था, इस बार आपके भतीजे नाम, तो ये बार बार पुलिस और इसमें समन्वय की तकलीफ कहाँ आ रही है, क्या ये साजिश मानते हैं क्या? सामाजिक जीवन हम लोग जीते हैं, राजनीतिक दल में हैं, हजारों लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं कि सज्जन भैया हैं तो हमारे काम हो जाएंगे, छोटे मोटे काम आते हैं, लेकिन मैं इन घटनाओं को देख के समझ रहा हूँ कि अभी कई लोगों पे से भारतीय जनता पार्टी का नशा उतरा नहीं है, पर धीरे धीरे उतर जाएगा, कांग्रेस की शैली बदला लेने की भावना से हमारी कार्यशैली नहीं होती, हम अपने कार्यों से उनको झुका देंगे, वो समझ जाएंगे कि संस्कार वाली पार्टी है, इसका साथ देने में ही